मुद्दे ये टाइम दशहरा था तो काफी लोग बिजी थे अपनी अपनी जगह पे, तो हमने सोचा ये टाइम हम ऐसा कुछ केक काटे कि जिसपे हम लोगों को वो भी दे सके, हम लोग को मैसेज देना था। तो हमने सोचा ये टाइम केक हम रावण का काटते हैं, जो इतने टाइम से रेप हो रहे हैं, जो गलत जो भी गलत चीज हो रहे हैं औरतों पे, लड़कियों पे, बच्चियों पे, जिसपे एक्शन वो लॉ के हिसाब से नहीं कर पा रहे। तो हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ कुछ गवर्नमेंट करे कि एक्शन कुछ आदमी रेप करने से पहले ये करने से पहले 100 बार सोचे कि यार ये मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया। इसलिए हमने सोचा एक टाइम रावण को हम करते हैं, जो गंदगी है दिमाग में वो साफ करते हैं। इसलिए हमने केक काटने की कोशिश की हुई राम भगवान के द्वारा। कितना किलो केक था? केक 220 किलो का था। उसकी बात करें केक था 10x5, 10x5 का वो रावण का केक था, और बाकी सब केक का जो अभी जितने भी जो हमारे चाहते हैं कि शेरी और केक, शेरी और बर्थडे केक तो हम सब गरीबों को बांटेंगे अभी, गरीबों अब अपने लोगों में। हाँ मैं सोचा कि सब लोग रोज जलाते हैं, मतलब जलाने आज खाना है हमको रावण को, तो हमने वो हिसाब से बोला आज रावण को खा ही लेते कि वापिस आए ही नहीं कुछ। मेरे पुणे से काफी दोस्त लोग आए तो उनको थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए अभी उनका केक बाकी कट करना, तो अभी चलता रहेगा वो तो रात भर 12 बजे तक चलता रहेगा। हम चाह रहे थे केक चाकू तलवार इससे ना कटे, केक तीर से कटे, तो उसको तीर से कटवाया। का जन्मदिन है और काफ़ी लोग आए हुए हैं और आज जैसे कि दशहरा है तो आज उनका जन्मदिन दशहरे के त्यौहार से भी आया है, तो इसलिए कुछ एक यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा हमारे जो मित्र हैं उन्होंने कि रावण को तो हर कोई दहन करता है, तो रावण का एक केक स्वरूप केक बनाया गया और एक छोटे बालक को श्री राम जी के स्वरूप में, श्री राम जी के स्वरूप में लाया गया और उनके माध्यम से वो केक काटा गया। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जिससे कि हम अपने जो हमारी जो संस्कृति है उससे हम जुड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम ने स्वरूप में जो बालक आया उन्होंने अपने बाण से केक कट किया, और एक्चुअली रावण एक व्यक्ति नहीं था, रावण बहुत ज्ञानी था पर उसके अंदर अहंकार, मोह, माया ये सब आ गई थी। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये कह रहे कि हमारे जो भी संस्कृति है उसको आगे साथ में लेके चले, और जैसे कि मोह, माया, भ्रष्टाचार हमारे देश में, मतलब ऐसे ऐसे आतंकवाद देशद्रोही गली गली में हो रहे और इन्हीं लोगों को समाप्त हो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं।